अपराधी किसी भी तरह से पुलिस के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। यदि कोई माफिया संगठित अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर रहता है और काफी समय तक नहीं गिरफ्तार हुआ तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इंदौर DIG रुचिवर्धन मिश्रा ने सख्त लहजे में माफिया और अपराधियों के खिलाफ कहा कि अपराधी और अपराध अब नहीं बच पाएंगे। यदि कोई अपराधी पुलिस को चकमा दे रहा है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, जिसके बाद उसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही होगा। बीते दिन हुई पुलिस जन सुनवाई के दौरान DIG मैडम ने कहा कि करीब 206 शिकायतें मुख्यालय पर आई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। सुनवाई में आज 206 शिकायतें DIG कार्यालय में प्राप्त हुई हैं और सभी एडिशनल SPs को उनके एरिया से बुलाया हुआ था, तो उनके अपने खुद के क्षेत्राधिकार की जो शिकायतें उनके द्वारा स्वयं सुनी गई हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण है उनमें जिनमें संज्ञेय अपराध है उसमें तत्काल से FIR के लिए बताया गया है और बाकी आवश्यक परीक्षण के लिए भेजी गई। जितने भी ये माफिया या संगठित अपराधियों के खिलाफ इसमें प्रकरण दर्ज हुए हैं उनकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। अधिकांश लोग इसमें फिलहाल इंदौर से बाहर हैं, टीम्स भी उनके लिए गठित की गई हैं और यदि ये नहीं उपस्थित होते हैं या इनको नहीं ये पकड़ में नहीं आते हैं तो इनकी संपत्ति की जानकारी लेकर के उसमें धारा 82-83 तहत उनकी कार्रवाई भी की जाएगी, इनाम भी इन पर घोषित किए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पकड़े जाएंगे।